नमस्कार, ये हिंदी यूनिवर्सिटी एजुकेशन चैनल है। संविधान का भाग 5 हम पढ़ चुके हैं, आज हम भाग 6 पढ़ेंगे। भाग 6 राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। भाग 5 संघ सरकार के बारे में था और भाग 6 राज्य सरकारों के बारे में है। आज के इस सेगमेंट में हम राज्यपाल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखते हैं। भाग 6 अनुच्छेद 152 से शुरू होता है, लेकिन राज्यपाल का प्रावधान अनुच्छेद 153 में है। आज हम अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्ति का वर्णन करता है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति बताता है, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद की अवधि, उसका त्याग पत्र, उसको हटाने के बारे में बताता है, अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ का प्रावधान करता है और राज्यपाल को शपथ मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट दिलवाता है। स्क्रीन पर आप राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों को देख पा रहे हो। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन करता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि यानी राज्यपाल कार्यकाल बताता है और ये बताता है कि राज्यपाल त्याग पत्र किसे देता है और उसे हटाया कैसे जाएगा। अनुच्छेद 159 शपथ का प्रावधान करता है राज्यपाल के लिए और ये बताता है कि मुख्य न्यायमूर्ति उस संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का यानी चीफ जस्टिस ऑफ रिलेटेड हाई कोर्ट शपथ दिलाएगा। और खास बात यह है कि शपथ का प्रारूप जो है वो अनुच्छेद 159 में दिया गया है। जिस तरह से अनुच्छेद 60 में शपथ का प्रारूप राष्ट्रपति के लिए दिया गया है, उसी तरह से राज्यपाल के लिए शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर शेष जो पदाधिकारी होते हैं उनके लिए शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दे रखे हैं। अनुसूची 3 विभिन्न प्रकार के शपथ के प्रारूप दे रखे हैं, लेकिन अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप नहीं दे रखा है। उनकी शपथ का प्रारूप अनुच्छेदों में है और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 159 है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और ये नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हो कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं क्या है, इसके लिए दो ही अर्हता दे रखी है कि 35 वर्ष का आयु प्राप्त किया हुआ हो और भारत का नागरिक हो। ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है जिसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और वो भारत का नागरिक हो। शर्तें क्या है, राज्यपाल बनने के बाद में वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, और किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा। इसको एक बार फिर से समझिए, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 156 दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इनको एक बार वापस समझते हैं। अनुच्छेद 155 नियुक्ति के संबंध में है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 156 पदावधि को बताता है कि राज्यपाल की पदावधि क्या होगी, उसका कार्यकाल क्या होगा। तो उसका जो कार्यकाल है, कार्य ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे पहले भी हटा सकता है, 5 वर्ष पूर्व होने से पूर्व हटाया जा सकता है। त्याग पत्र किसे देता है, राज्यपाल त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि 55 में अनुच्छेद 155 में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो अनुच्छेद 156 में वह त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देता है और हटाया भी राष्ट्रपति द्वारा ही जाएगा, क्योंकि पदावधि में दे रखा है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत इन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद धारण करता है। इसलिए जब तक उसकी इच्छा है राष्ट्रपति की, तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। यदि दोनों ऑप्शन आते हैं किसी प्रश्न में तो सही आंसर इसका राष्ट्रपति की इच्छा पर यह होता है। यदि राष्ट्रपति हटाना नहीं चाहे तो वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। 5 वर्ष बाद
यदि उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जाता है तो उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद इसमें महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 अर्हताएं बताता है, क्वालिफिकेशन बताता है राज्यपाल की, कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और भारत का नागरिक हो ऐसा व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में डिस्कशन करेंगे। भारतीय संविधान और कानून से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आप हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन चैनल पर बने रहिए। फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।